अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपके बच्चे का बुखार 102 पर है तो फिर अगर आपने कालपोल ब्रूफन डिस्प्रोल सिरप दिया है फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा तो फिर अपने बच्चे को टर्सिका सिरप इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह वो बच्चे जिनके दांतों में कीड़ा लगा हुआ हो और शदीद दर्द हो रहा हो तो उन बच्चों को भी टर्सिका सिरप ज़रूर इस्तेमाल करवाएँ। इस सिरप की कंपोजिशन में शामिल है डेक्सीब्रूफन ऐसी दर्द और बुखार में आराम पहुँचाने वाली दवा है जो कि स्टीराइड से पाक है। ये फौरी तौर पर जज़ब होकर बच्चों में जिस्म दर्द, दांत दर्द और बुखार से आराम पहुँचाती है। इस सिरप की बच्चों में राइट डोज क्या होगी ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। बच्चों में इस सिरप की राइट डोज होगी जिनकी उम्र 3 साल से ज़्यादा हो, 10 mg/kg हर 8 घंटे बाद। इस डोज़ को मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे का वज़न 10 किलो है तो इसकी डोज़ होगी 100 mg हर 8 घंटे के बाद, मतलब 1 teaspoon हर 8 घंटे बाद। अगर आपके बच्चे का बुखार 102 पर है तो फिर अगर आपने कालपोल ब्रूफन डिस्प्रोल सिरप दिया है फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा तो फिर आपने अपने बच्चे को टर्सिका सिरप इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह वो बच्चे जिनके दांतों में कीड़ा लगा हुआ हो और शदीद दर्द हो रहा हो तो इन बच्चों को भी टर्सिका सिरप ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इस सिरप की कंपोजिशन में शामिल है डेक्सीब्रूफन एक ऐसी दर्द और बुखार में आराम पहुंचाने वाली दवा है जो कि स्टीराइड से पाक है। ये फौरी तौर पर जज़ब होकर बच्चों में जिस्म दर्द, दांत दर्द और बुखार से आराम पहुंचाती है। असल सिरप की बच्चों में राइट डोज़ क्या होगी ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। बच्चों में इस सिरप की राइट डोज़ होगी जिनकी उम्र 3 साल से ज़्यादा हो, 10 mg/kg हर 8 घंटे बाद। इस डोज़ को मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे का वज़न 10 किलो है तो उसकी डोज़ होगी 100 mg हर घंटे बाद, मतलब 1 teaspoon हर 8 घंटे के। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।